काफी लोग परेशान रहते हैं कि हार्ड वाटर में हम कौन सा गीजर इस्तेमाल करें, क्योंकि गीजर बहुत जल्दी खराब हो जाता है जहां पर हार्ड वाटर उसके अंदर सप्लाई होता है। उसकी एनोड रॉड जल्दी जल्दी खराब होने लगती है, उसका हीटिंग एलिमेंट खराब होने लगता है, यहां तक कि टैंक भी खराब हो जाता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ग्लास लाइन कोटेड आ गया, स्टेनलेस स्टील का टैंक आ गया, बट स्टिल खारा पानी किसी को नहीं छोड़ता। तो ऐसे में आपके लिए ये टिप है कि अगर आपके यहां पर बहुत ज्यादा खारा पानी आता है तो कोई भी आप अच्छे ब्रांड का गीजर ले लीजिए, लेकिन जो पानी गीजर के अंदर जा रहा है वहां पर आप एक वाटर सॉफ्टनर जरूर यूज कीजिए। वाटर सॉफ्टनर वॉशिंग मशीन्स में भी यूज किया जाता है ताकि वॉशिंग मशीन्स में भी खारे पानी से नुकसान ना हो। तो सेम चीज आप गीजर के साथ भी कीजिए ताकि आपका जो गीजर है वो सेफ रहे और लंबे समय के लिए ठीक ठाक चलता रहे। वाटर सॉफ्टनर्स 500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा गीजर की अगर आप ज्यादा लाइफ चाहते हो तो आप वाटर सॉफ्टनर्स जरूर यूज कीजिए।